वेलकम फ्रेंड्स टू इकोनॉमिक्स इजी वंस अगेन। आज मैं सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने वाला है स्टैटिस्टिक्स का। राइट, अभी तक अपन देख रहे थे इकोनॉमिक्स पढ़े जा रहे थे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, क्योंकि ये बेसिक चीज थी जो अपन के स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में दे रही थी। राइट, अब अपन देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है। एक ऑथर के अकॉर्डिंग लिया है मैंने। राइट, सिंपल से कि आपको स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझाया जाए। स्टैटिस्टिक्स है ना, तो प्लूरल सेंस में आती है और एक होती है सिंगुलर सेंस में। अपन पहले स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे प्लूरल सेंस में। जैसे बोले हैं इन्होंने क्या डिफाइन किया है स्टैटिस्टिक्स को, दीज आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट के जो फैक्ट्स हैं उसका न्यूमेरिकल स्टेटमेंट जब प्लेस करते हैं, प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। बोले के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है, किसी भी डिपार्टमेंट के जब न्यूमेरिकल स्टेटमेंट के जो फैक्ट्स हैं, या ये कहें किसी भी डिपार्टमेंट के जो फैक्ट्स हैं उनका न्यूमेरिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में एक दूसरे के रिलेशन में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। राइट, अब फ्रेंड्स स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में उसके कई फीचर्स है, या ये कहें कई कैरेक्टरिस्टिक्स है। फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, फर्स्ट अपना आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ये मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी मैं। राइट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स कभी अपन ने सिंगल एक नंबर ले लिया वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। जैसे बोल दिया कि मेरे पास 1000, जैसे अपन ने बोल दिया कि हमारे स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स है, दीज आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अपन ये डिफाइन करेंगे कि स्ट्रीम किस किस स्ट्रीम है, जैसे आर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स है, आर्ट्स में 200 स्टूडेंट्स है, कॉमर्स में अपने 400 स्टूडेंट्स है, और साइंस में अपने रिमेनिंग स्टूडेंट्स है। ऐसे जब अपन डिफाइन करेंगे तभी उसको स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में मानेंगे, या ये है वही फीचर बनेगा स्टैटिस्टिक्स का। एक सिंगल डिजिट आ गया या एक सिंगल अपन के किसी की इन्फॉर्मेशन आ गई, दैट इज नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड पॉइंट, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिक्स वही चीज होगी जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगी। जैसे अगर आप अगर अपन बोले ना कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, जैसे ए इज मोर इंटेलिजेंट देन बी, मतलब एक बंदा ज्यादा इंटेलिजेंट दूसरे से, इसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होनी चाहिए कि एक बंदे के मार्क्स आए 100 में से 50 और दूसरे के आए 100 में से 80। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना सबसे इंपॉर्टेंट है। या ये भी नहीं कह सकते जैसे अपन बोलते हैं कि ये ज्यादा ब्यूटीफुल है या दूसरा वाला ज्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसे भी नहीं होगा। राइट, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, दैट इज ओनली कम्स इन स्टैटिस्टिक्स फीचर। थर्ड आ जाता है मल्टीपल कॉजेस। कोई भी एक चीज होती है, जैसे अपन देखें किसी भी कम्युनिटी की प्राइस बढ़ गई है तो उसका एक कॉज नहीं होना चाहिए, उसके कई कारण होने चाहिए प्राइस बढ़ने के। अब कई कारण ये हो सकते हैं कि डिमांड बढ़ गई है, ये भी कारण हो सकता है कि सप्लाई जो मार्केट में उस कम्युनिटी की वो कम हो गई, या ये भी हो सकता है टैक्सेस बढ़ चुके हैं, या ये कह सकते हैं कि इनपुट जिसकी वजह से वो बन रहे थे वो उनका कॉज बढ़ गया। मतलब कई कॉजेज होने चाहिए अगर किसी भी चीज को स्टैटिस्टिक्स बनने के। राइट, नाउ कम्स फोर्थ पॉइंट, म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। कोई भी ऐसा डिजिट या कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल मतलब नंबर जो है एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए और कंपेरेबल फॉर्म में होना चाहिए। मतलब अपन ने क्या करा, जैसे एक बंदे का लिया, जैसे एक्स है, एक्स की तो एज ले ली, वाई की अपन ने एक्स की एज ले ली, वाई का अपन ने ले लिया हाइट, और जेड की अपन ने ले ली वेट। मतलब तीनों का अलग अलग चीजें ले ली, एक की तो हाइट ले ली, एक का वेट ले लिया, और एक की क्या ली, हाइट वेट एंड एज, तीनों अलग अलग चीज ले ली। तो ये स्टैटिस्टिक्स में नहीं आएगा। स्टैटिस्टिक्स करने के लिए अपन को सबको एक यूनिफॉर्मिटी में होना चाहिए, या तो एज लेंगे तो सबकी एज के साथ ही कंपेयर करेंगे, वेट लेंगे तो सबका वेट के साथ कंपेयर करेंगे। राइट, नाउ कम्स द फिफ्थ पॉइंट, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। आज अपन किसी भी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो अपना एक पर्पस होना चाहिए कि मैं ये डेटा कलेक्ट करने वाला इसका क्या पर्पस है। जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सपोज फार्मर्स लिए मैंने कि एक विलेज में जो फार्मर्स है उनकी क्या नंबर ऑफ फार्मर्स कितनी है, तो मेरे पास उसके पास पीछे एक एजेंडा होना चाहिए मैं क्यों कर रही हूँ। क्या तो मुझे देखना है कि फार्मर्स के लैंड कितनी है, या मेरे को देखना है प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, एंड सो ऑन। मतलब एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी डेटा को कलेक्ट करने से पहले। राइट, एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड। एनुमरेटेड अपन जब करते हैं जब अपने पास डेटा का साइज स्मॉल होता है, जैसे बोल दिया कि आज 30 स्टूडेंट्स आए स्कूल में इस क्लास में, और एस्टिमेटेड आता है जब अपन लगभग लगाते हैं, मतलब अराउंड कितने, जैसे आए कि साहब प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे हैं तो 100,000 लोग रैली निकाल रहे हैं दिल्ली में, 200,000 लोग बॉम्बे में निकाल रहे हैं, इस तरीके से। मतलब जब लार्ज साइज होता है ना डेटा का तो अपन एस्टिमेटेड लगाते हैं, और जब स्मॉल साइज होता है तो अपन लगाते हैं एनुमरेटेड। एंड नाउ कम्स दी सेवन पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। स्टैटिस्टिक्स को हमेशा सिस्टमैटिक मैनर से कलेक्ट करना होता है। जैसे सिंपल फॉर एग्जांपल अपन ने लिया, अपन ने मार्क्स लिख दिए कि 100 में से 50 इस बच्चे के हैं, 100 में से 20 इसके इतने आए, 100 में से 80 हैं, एंड सो ऑन। पर अपन ने ये नहीं लिखा कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट मार्क्स हैं, और कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ मार्क्स लिख दिए।
तो दीज आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स होने के लिए अपन को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, या ये कहे सिस्टमैटिक मैनर में इन्फॉर्मेशन अपन कलेक्ट करते हैं तो ही कहते हैं सो स्टैटिस्टिक्स. ओके फ्रेंड्स, यहाँ फीचर्स अपने वाइंड अप करते हैं अपन. वेल फ्रेंड्स, फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स से वी कैन कंक्लूड, जो अपन ने फीचर्स पढ़े अभी सेवन, तो सेवन ये कंक्लूड कर सकते हैं, ऑल न्यूमेरिकल डेटा कैन नॉट बी स्टैटिस्टिक्स. सारे न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होते. जैसे अपन ने देखा था कि अगर किसी की इनकम दे दी, किसी का एज दे दिया, किसी की वेट दे दी, तो दे आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि एक कैटेगरी में होना चाहिए या एक मोड ऑफ उसमें होना चाहिए जिससे अपन इजीली कंपेयर कर सके और कंक्लूजन निकाल सके. बट सारे स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, क्योंकि अपन को पता है किसी भी चीज़ को स्टैटिस्टिक्स बनने के लिए उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू वन मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार ये आ सकता है कि क्या चीज़ सही है, ट्रू और फॉल्स, या वन मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि अपना जो राइट आंसर है वो है ऑल न्यूमेरिकल डेटा कैन नॉट बी स्टैटिस्टिक्स. जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है वो जरूरी नहीं है स्टैटिस्टिक्स हो, पर जो स्टैटिस्टिक्स है वो पक्के से न्यूमेरिकल, जो स्टैटिस्टिक्स है वो पक्के से न्यूमेरिकल फॉर्म होगा, राइट. अब है ना, अपने दो तरह के डेटा होते हैं, डेटा के दो फॉर्म्स होते हैं. एक तो होता है अपना क्वांटिटेटिव डेटा एंड सेकेंड होता है क्वालिटेटिव डेटा. क्वांटिटेटिव डेटा अपने नाम ही खुद ही डिपेक्ट कर रहा है, जिसको अपन क्वांटिटी में डिफाइन करते हैं. जैसे इनकम है, अपन इनकम डिफाइन कर सकते हैं कि मेरी 1 lakh rupees इनकम है पर मंथ, मेरा एक्सपेंडिचर है 20,000, वो कभी होता नहीं है, 80,000 मेरा एक्सपेंडिचर है, ये अपन डिफाइन कर सकते हैं. मीन्स क्वांटिटी के फॉर्म में ये जिसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा, राइट. अब एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, जिसको अपन क्वालिटी के बेस पर अपन डिफाइन करते हैं. मीन्स ये अपन बता सकते हैं कि क्या चीज़ किससे बेटर है, रैंक कर सकते हैं, या ये कहे कि किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा है, किसी का आईक्यू लेवल कम है, कोई ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कोई कम है, लाइक दिस. डिफाइन एट्रीब्यूट को अपन डिफाइन कर सकते हैं, बट डिफाइन न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं कर सकते. ओके, अब स्टैटिस्टिक्स अपन सिंगुलर सेंस में पढ़ेंगे. एक अपने राइटर की डेफिनेशन ली है कि उन्होंने अपन को स्टैटिस्टिक्स क्या बताया है, राइट. क्या बताया है क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन ने, क्या बताया है स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज, स्टैटिस्टिक्स वो चीज होती है एज द कलेक्शन प्रेजेंटेशन एनालाइजिंग, कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना और एनालाइज करना, देन इंटरप्रिटेट करना न्यूमेरिकल डेटा. मतलब क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन ने क्या बताया है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, किसी भी, उन्होंने डिफाइन किया है कि जब अपन कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं और एनालाइज करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को, उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, राइट. अब अपनी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट होती है. अब अपन पढ़ेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट. स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में तीन पॉइंट्स आते हैं, नंबर वन नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नंबर टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और नंबर थ्री आता है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट. अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स का क्या नेचर है. स्टैटिस्टिक्स को अपन आर्ट और साइंस दोनों कहते हैं. क्यों अपन इसको साइंस इसलिए कहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा सिस्टमैटिक स्टडी, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा की सिस्टमैटिक तरीके से, या ये कहें साइंटिफिक तरीके से स्टडी करता है, समझता है. ओके, आर्ट इसे क्यों कहते हैं अपन स्टैटिस्टिक्स को, बिकॉज क्वांटिटेटिव डेटा रिलेट्स टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा मीन्स न्यूमेरिकल डेटा अपने रियल लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेट करवाता है, इसलिए इसे आर्ट कहते हैं. ओके, अब अपना सेकेंड पॉइंट आता है इसका सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. दो पॉइंट्स है इसमें सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, एक है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब वो सारे मैथड्स जिससे अपन कलेक्ट कर सकते हैं डेटा को और प्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स ऑल दोज मैथड्स थ्रू विच वी कैन डू कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. नाउ इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में कौन से मैथड आते हैं, वो मैथड्स आते हैं जिससे अपन कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट. अब अपन फ्रेंड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.